चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट है हमारे पास। एंड द क्वेश्चन इज 1/4 ए माइनस 1/2 बी प्लस 1 एंड वी हैव होल स्क्वायर। तो फिर से आइडेंटिटी लगाते हैं। आइडेंटिटी क्या है हमारी? ए प्लस बी प्लस सी एंड वी हैव होल स्क्वायर। कैसे खोला जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड देन प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही हमारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए कितना हुआ? 1/4 और पूरे के ऊपर स्क्वायर। प्लस बी कितना हुआ? माइनस है ना, नहीं भूला है, माइनस 1/2b, राइट। और सी कितना हुआ? सी तो 1 है तो 1 का स्क्वायर। प्लस प्लस लगा दिया हमने। अब हमें करना है 2ab, यानी कि 2 तो है हमारे पास। a और b कितना है? 1/4 a, इसको ही ब्रैकेट में रखते हैं, और b माइनस का 1/2b, माइनस का 1/2b, राइट। और नहीं भूलना है हमें कि ये साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। प्लस अब आती है 2bc की टर्न, तो हम एक काम करते हैं, इसे यहाँ लिखते हैं। प्लस 2bc कितना हुआ? b हुआ माइनस हाफ, यानी माइनस का 1/2b। अब देखिए, मैंने इसे ब्रैकेट में रखा है क्योंकि माइनस का साइन इसके साथ मिक्स ना हो जाए। हमें पता है अगर ये माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर होगा तो फिर तो ये माइनस हो जाएगी टर्म, लेकिन ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है। और सी कितना है हमारे पास? सी हमारे पास 1। अब रह गया प्लस 2ca, तो 2 मैंने यहाँ अपडेट किया। सी की वैल्यू कितनी है? सी है हमारे पास 1 और a है हमारे पास 1/4a, तो ये मैंने अपडेट कर दिया 1/4a, राइट। अब हम सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी आर गुड टू गो। 1/4 का स्क्वायर कैसे खोला जाता है? बिल्कुल सेपरेट सेपरेट, मतलब 1 का भी स्क्वायर किया 1 आया, 4 का स्क्वायर किया तो 8 आया, 8 आया ना, 16 आया। 4 का स्क्वायर यानी कि 16, नहीं कंफ्यूज होना है हमें। अब यहाँ पर आते हैं, माइनस 1/2 का स्क्वायर कैसे खुलेगा? पहले एक काम करते हैं, माइनस का स्क्वायर खोल देते हैं। माइनस का स्क्वायर कैसे खुलेगा? यानी प्लस ही रहेगा वो तो, है ना। 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का भी स्क्वायर खोलेंगे यानी कि 4, और बी स्क्वायर यानी कि आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब आती है इसकी बारी, 1 का स्क्वायर आपको अच्छे से पता है 1 ही रहेगा। इन तीनों टर्म्स का क्या करें? अब इन तीनों टर्म्स में सबसे पहली चीज़ है, साइन पहले अपडेट कर दीजिए ताकि वहाँ कोई मिस्टेक ना हो। माइनस का साइन है ना, पहले माइनस लगा देते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करें? पहले हम हटा देते हैं 2 को, क्योंकि 2 न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में है, तो ये तो डिवाइड हो जाएंगे। 2 डिवाइड हो गए, क्या बचा मेरे पास? न्यूमरेटर में a और b बचे हैं, a और b मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिए, और डेनोमिनेटर में हमारे पास 4 बचा है, तो इसको हम इसके नीचे अपडेट कर देते हैं, राइट। अब फिर प्लस का साइन है, लगा दिया। अब इन तीनों की बारी, इन तीनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले हमें काम करते हैं, साइन ठीक कर देते हैं। तो माइनस का साइन आ रहा है ना, तो माइनस का साइन अगर इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पर हम पहले माइनस लगा देते हैं, अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो कॉफिशियंट्स तो देखिए ऐसे कैंसिल आउट हो गए, 2 और 2 डिवाइड हो गए, क्या बचा? सिर्फ बी बचा है न्यूमरेटर में, राइट। डेनोमिनेटर ख़त्म हो चुका है, डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है। ये वाला पार्ट कैसे करें? पहले लगाया साइन, अब 2 और 4 डिवाइड हो गए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, और a भी बचा है ना, तो मैंने a को लिख दिया और नीचे लिख दिया 2। बाकी सब 1, 1 ज़ा 1 सब मल्टीप्लाई होके सेम नंबर में ऐड हो गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन जो है वो आपको ध्यान से करनी है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।